This bed that I'm in feels too big without you. Don't know how to quit thinking about you. Those green eyes, sweet lips, your hands on my hips. So guys, आप लोगों को सामान तो दिखा दिए, लेकिन ये सारे सामान को मुझे समेटना भी है। और अभी तो शाम हो गई है, तो अभी तो मैं इसे रखूंगी नहीं, क्योंकि इसे मैं ये बोरा में ही पैक करके रखूंगी। और मुझे ना किचन क्लीन करना पड़ेगा, तभी मैं कैबिनेट में ये सारे ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी। तो चलिए सबको पैक करती हूँ। तो ये है 25 kg का HMT कोलम राइस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ब्यूटीफुल लाइफ विद दर्शनी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। अब इवनिंग का टाइम है। अभी अभी मैं एक ब्लॉग एंड की हूँ और स्टार्ट भी कर दी हूँ। कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे डीमार्ट से जो भी शॉपिंग किए थे वो मैं आप लोगों को दिखाई। तो ये सारे ग्रोसरी को अरेंज करके रखना है। अभी तो अरेंज नहीं कर पाऊंगी, लगता है मेरे हस्बैंड आ गए हैं। चलो ये खा लो, चलो चलो जल्दी 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 बेटा। दीशु चलो चलो पहले खा लो, फिर उसके बाद फिर से उल्टा टी शर्ट। दिशानी का फैशन है उल्टा टी शर्ट पहनने का। क्या कर रही हो दिशानी? हाँ मोबाइल रखेगी। 37, 38, 39, 40. अभी मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, सारा तैयारी करके रखी हूँ। यहाँ पे आटा गूंथ के रखी हूँ और यहाँ पे आलू मैश करके रखी हूँ, दिख भी नहीं रहा क्योंकि आज डिनर में आलू की कचौड़ी बनेगा। बहुत दिन हो गए आलू की कचौड़ी खाए हुए, तो आज मुझे मन हुआ है कि चलो आलू की कचौड़ी बनाते हैं। तो आटा में गूंथ के रेडी कर ली हूँ। आटा में मैं थोड़ा सा अजवाइन, नमक और रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स करके फिर आटा गूंथ ली हूँ, क्योंकि थोड़ा खस्ता कचौड़ी अच्छा लगता है। आलू मैश करके रखी हूँ और यहाँ पे मैं अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ता काट के रखी हूँ। अभी फटाफट से बनाएंगे, सारा चीज रेडी है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। मैं मार्केट चली गई थी आलू प्याज लाने के लिए, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं था, आलू थोड़ा बहुत था। तो अभी फटाफट से बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और देखिए इतना सारा बर्तन थे तो अभी धोई हूँ और इसे भी मैं धो दी हूँ, जो मैं डब्बा लाई थी ना उसे भी मैं धो दी हूँ। मस्टर्ड ऑयल लेंगे,
ऑयल गरम हो गया है, सबसे पहले इसमें हरी मिर्च डालेंगे, ग्रेट किया हुआ अदरक थोड़ा टाइम तक भून लेंगे, मैश किया हुआ आलू डालेंगे, आलू को थोड़ा टाइम तक भून लिए हैं, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पत्ता, और अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा टाइम तक इसे भून लेंगे, उसके बाद ये आलू का स्टफिंग बनके रेडी हो जाएगा। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, ये सुबह की सब्जी आलू गोभी की सब्जी की कचौड़ी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। और देखिए बहुत ही खस्ता बना है कचौड़ी। गुड मॉर्निंग टीचर। हम लोग का डिनर हो गया और मैं किचन भी क्लीन कर ली हूँ, थोड़े बहुत बर्तन धोने हैं तो उसे मैं धोकर सोऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा रात को ना बर्तन धो के सोती हूँ, और जिस दिन मैं छोड़ देती हूँ ना कभी मन नहीं होता है करने का, उस दिन तो बापरे सुबह में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बर्तन होता है ना तब मैं धोते रहती हूँ, एक बार में ज्यादा जमा हो जाता है ना तब प्रॉब्लम होता है, धोने का मन नहीं करता है। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 10 बजने वाला है। मेरा बिस्तर आप लोगों को बिखरा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि सारे कपड़े ना अभी फैले हुए, अभी मैं सब समेटूंगी और वीडियो भी एडिट कर रहा है, रात को ही मैं एडिट कर लूंगी। तो चलिए दिशानी जी बाय बाय बोल दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुड डी जरूर करना। सब लोग लाइक करेंगे ना, सब लोग करेंगे। चलो 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 जल्दी जल्दी फ्लाइंग किस दे दो, बाय बाय बोल दो। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट शुडी। क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग, इधर देखकर बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? सुबह 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 का पानी लेकर घूम रही हूँ, और अभी देखिए हल्की हल्की धूप निकलना चालू हो गई। सॉरी फॉर बीइंग फॉर बीइंग अ मेस, आई गेव माय बेस्ट बट वाज टू लेट। अभी मैं दृशानी के लिए सेवई बना रही हूँ, दृशानी को सेवई बहुत पसंद है, और इधर मैं लौकी और चना दाल बनाऊंगी। तो लौकी को मैं छोटा छोटा काट ली हूँ, और चना दाल को मैं लगभग 20-25 मिनट पहले मैं भिगो के रखी थी, तो अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल के और हल्दी और नमक डालकर इसे बॉईल कर लूँगी, 4 से 5 सीटी लगा लूँगी, और अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि वो गल जाए। आजा, आजा। पहले ये खाओ जल्दी फटाफट से। यस,
This bed that I'm in feels too big without you. आएगी अंदर आएगी नहीं। बंद मत करो बेटा, बंद मत करो, खोलो 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 खोलो। आज भी इतना सारा कपड़ा हो गया था धोने का, बहुत ज्यादा टाइम लग गया धोने में। डीमार्ट से जितने भी कपड़े लाए थे ना, वो सब कपड़ा भी धोई हूँ, और पहले से भी बहुत ज्यादा कपड़ा था, बहुत ज्यादा कपड़ा था धोने में, बहुत ज्यादा टाइम लगा, 1 घंटा लगा मुझे कपड़े धोने में। और बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। अभी 4:30 हो गया है। दृशानी को मैं कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लड़की सोई नहीं है। आधा घंटा तो मेरा टाइम बर्बाद कर दिया है सुलाने में ही, आधा घंटा खाने में टाइम बर्बाद किया। कितनी बदमाशी करती है, इतनी बदमाशी करती है ना कभी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, सच में बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो बहुत देर बाद मैं इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे, और आज मैं बहुत दिनों बाद मम्मी से 1-1.5 घंटा बात की हूँ। जब भी मैं किसी से बातें करती हूँ ना, तो उस टाइम में मेरा काम चालू रहता है। मम्मी से बात करते करते मैं कपड़े धोई हूँ, बर्तन धोई हूँ, किचन क्लीन की हूँ, पूरा घर साफ की हूँ, इतने सारे काम में बात करते करते मैं की हूँ। और हाँ, कपड़े भी सूखने के लिए डाली हूँ। मैं हेडफोन लगा लेती हूँ और बात करते रहती हूँ और नहीं तो मैं मोबाइल के स्पीकर खोल लेती हूँ, उसके बाद मैं बातें करती हूँ, और मैं साथ ही साथ काम भी करती हूँ, क्योंकि बैठ के बात करने का तो टाइम है नहीं मेरे पास, तो काम करते करते बात कर लेते हैं। मम्मा ने आपके लिए इतना सारा ड्रेस खरीद दिया ना? हाँ, डीमार्ट शॉपिंग से हॉल। क्या बोलती है, डीमार्ट शॉपिंग से हॉल? डीमार्ट से मम्मा ने आपके लिए बहुत सारा ड्रेस खरीद दिया। पुराना डीमार्ट में चली गए थे? नहीं, हम लोग नए वाले में गए थे। नए वाले में जाते ना तो एकदम खाली खाली से रहते हैं, यहाँ पे मतलब ज्यादा लोग नहीं जाता है। और अगर आप पुराने वाले डीमार्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे तो एनी टाइम भीड़ ही रहता है, वो अंबरनाथ और बदलापुर के बीच में है। तो वो डीमार्ट में जाने के लिए ना मतलब ईस्ट में जाना पड़ता है, और ये जो नया डीमार्ट खुला है तो उसमें वो तो वेस्ट में ही है, हम लोग वेस्ट में रहते हैं। अभी मैं आप लोगों को मुंह मीठा कराऊंगी, क्योंकि मैं इतने प्यार से गुलाब जामुन बनाई हूँ, तो मुंह मीठा कराना तो बनता है ना। बहुत पहले का एक गुलाब जामुन का पैकेट था, मैं डीमार्ट से ही लेकर आई, तो वो गुलाब जामुन एक पैकेट में बनाई थी बहुत पहले, तो अच्छे से बना नहीं था। अभी का जो मैं बनाई हूँ ना, वो गुलाब जामुन इतना अच्छा बना है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब जैसा मुझे गुलाब जामुन पसंद है ना, वैसा ही बनाया। ज्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, तो मैं ज्यादा मीठा नहीं बनाई हूँ, और उसकी जो चाशनी होती है ना, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाई हूँ, पतला चाशनी वाला अच्छा लगता है। मतलब बहुत अच्छा बनाया है गुलाब जामुन, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं दो या तीन दिन पहले बनाई थी, याद नहीं है, 2-3 दिन पहले मैं बनाई थी। जिस दिन बनाई थी ना, उस दिन खाई थी, उतना टेस्टी नहीं लग रहा था, उसे मैं फ्रिज में रख दी, और कल मैं खाई, इतना टेस्टी लगा ना, कल ही मैं 5 से 6 गुलाब जामुन खाई, और आज मैं सुबह भी खाई हूँ गुलाब जामुन, और अभी भी मन हो रहा है खाने का। लगभग 1 वीक पहले के वीडियो में मैं बोली हुई थी एक गुड न्यूज है, और मैं बताई थी कि मेरा टिकट बन गया है, गाँव से कोई आने वाला है। तो उसी वीडियो में ना मैं बताने वाली थी कि कौन आने वाला है, मुझसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, मैं सोची लास्ट में बताऊंगी वीडियो के एंड में, लेकिन मैं भूल गई, बता नहीं पाई, और बहुत सारे फ्रेंड लोग तो गेस भी कर लिए थे कौन आने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरी छोटी वाली बहन आने वाली है, मैं अभी जाऊंगी मायके, तो 1 मंथ वहां पे रुकूंगी, वहां से मतलब मेरे हस्बैंड अकेले चले आएंगे, मैं अपनी बहन के साथ आऊंगी। तो आज मेरा वीडियो अपलोड हो गया है, सारे काम खत्म हो गए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलिए इस खुशी को एंजॉय करते हैं गुलाब जामुन खाकर। क्या क्या बोल रही है? चलो मैं आपको मैं दिखाती हूँ। क्या दिखाती हूँ? पता है ये सारा दिन ना आज हैंड वॉश कर रही है, पूरा डेटॉल खत्म कर दिया दिशानी ने, इसे मैं कहाँ छुपा के रखी थी, बाथरूम में रखी थी, वहां से भी निकाल के आज ना तुम मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या क्या रुको क्या अच्छा रुको इसको भी पता है ये गिर जाएगा। और पता है इतना सारा मैं गुलाब जामुन बनाई थी, और देखिए कितना कम हो गया। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मीठा खाना, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ 7 पीस ही बच गया है, इतना सारा मैं बनाई थी सारा खा गई। और मेरे हस्बैंड भी खाए हुए थे गुलाब जामुन, वो भी बोले बहुत टेस्टी बना है।
फ्रिज में जगह ही नहीं है, इतने सारे सामान रखे हुए हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है और इसके अंदर तक कितने अच्छे से चाशनी गया है। तो ये लीजिए और आप लोग टेस्ट करके देखिए कैसा बना है। वैसे मैं पहली बार खुद टेस्ट करके आप लोगों को टेस्ट करा रही हूँ। तो आप लोग अभी रेसिपी देखकर आइए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक मैं गुलाब जामुन एंजॉय करती हूँ। सबसे पहले मैं चाशनी बनाऊंगी, तो मैं 1.5 कप चीनी लूंगी, तो 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और जितना मैं चीनी ली हूँ उससे 3 गुना पानी लूँगी, तो मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। और मैं चाशनी ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा पतला ही बनाऊँगी और ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा ये चाशनी। तो जिनको ज़्यादा मीठा पसंद है तो यहाँ पे 1 कप चीनी और बढ़ा सकते हैं या फिर 1/2 कप चीनी बढ़ा सकते हैं। और पानी का क्वांटिटी सेम रखिएगा। और अभी मैं इसमें 4 से 5 मैं हरी इलायची डाल दी हूँ और अभी चाशनी को पकने देंगे। ताड़ वाली चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ा सा वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। तब तक इधर मैं डो लगा लेती हूँ। MRT का गुलाब जामुन का आटा है ये और 100 ग्राम के पैकेट है। तो आटा को मैं निकाल ली हूँ, अच्छे से थोड़ा हाथ से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसे आटा के जैसे मसल मसल के नहीं गूंथना है। इससे पहले मैं बनाई थी ना, तो आटा के जैसे मैं गूंथ दी थी तो अच्छा नहीं बना था। वो क्या है ना, फ्राई करते वक्त ना वो फट जाता है। थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, आटा के जैसे मसल मसल के नहीं गूंदना है। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी इसे मैं ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। आटा गूंदने में सिर्फ आधा दूध ही लगा है और 1/2 कप दूध बच गया है। तो यहाँ पे चाशनी बनके भी रेडी हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस मैं डाल दी हूँ ताकि चाशनी जमे नहीं। और ये चाशनी ना ठंडी होगी तो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पतला चाशनी ही बनाई हूँ। अभी ढक के मैं उसे रख देती हूँ। और इधर देखिए आटा भी रेस्ट हो गया है, तभी मैं छोटा छोटा सा लोई बना लूँगी। जितना भी बड़ा गुलाब जामुन बनाना है उतना बड़ा बना लेंगे। ऑयल अभी गर्म हो गया है, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे बनाना है। एक एक करके सारे गुलाब जामुन को डाल देंगे और एक बार में पूरा नहीं डालना है, एक एक करके ही डालना है, नहीं तो फटने का चांस रहता है। अभी मैं सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद चाशनी में डालूँगी। अभी मैं सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दी हूँ। लगभग इसे 2 घंटा के लिए छोड़ देंगे फूलने के लिए, 2 घंटा बाद ही इसे खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए 2 घंटा हो गया है और बहुत अच्छे से फूल गया है, लेकिन आप 2 दिन बाद खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। डब्बा मैं लाई थी ना, तो इसे मैं कल धो दी थी, तो अभी इसमें मैं अपना मेकअप का सामान रखूंगी। और देखिए ये रुको ना रुको ना रुको दिशु ऐसे मत करो, ये जो छोटा बास्केट मैं लाई थी ना, इसमें देखिए कितना सारा सामान भरा हुआ है। बेकार वाला चीज ज्यादा है, मेरा मेकअप का सामान तो बहुत कम है, बेकार वाली चीजें बहुत ज्यादा भरी हुई है। तो इसलिए मैं इसमें जो भी बेकार वाली चीजें है ना ये बास्केट में ही रहने दूंगी और जो मेरा मेकअप का सामान है इसमें मैं डाल देती हूँ। बहुत सारे फ्रेंड लोग पूछते हैं कि आप कौन सा क्रीम लगाते हैं, तो देखिए मैं लेक्मी का क्रीम लगाती हूँ। ये है डे क्रीम, ये है नाइट क्रीम और इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्रीम है। दिशु ये लिप बाम ना टूट जाएगा, पूरा से खोल लिए। ये भी सनस्क्रीन है अरोमा मैजिक का, मैं इसे लगाती नहीं हूँ, जब मैं धूप में जाती हूँ ना तभी मैं लगाती हूँ। हाथ पैर में भी आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हिमालय का बेबी क्रीम दिशानी का है। आप लोग सिंदूर भी पूछते हो कि आप कौन सा सिंदूर लगाते हैं, तो इस टाइप का डब्बे में आता है। और ये सिंदूर ना मैं सिद्धि विनायक मंदिर गई थी ना, वहां से लेकर आई थी, बहुत अच्छा सिंदूर है और ये ओरिजिनल सिंदूर है। आजकल तो सिंदूर में कलर आता है और इसे आप लगाएंगे ना तो मतलब
आप देखिए इस सिंदूर में बिल्कुल भी कलर नहीं है, मैं यही सिंदूर लगाती हूँ देखिए। और ये इतने अच्छे से आपके मांग में चिपक जाता है ना, सिंदूर लगाते वक्त मैं कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, पानी भी नहीं लगाती हूँ, अच्छे से ये मांग में चिपक जाता है, बहुत अच्छा सिंदूर है। ये वाला बास्केट पूरा से खाली हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें जो भी मेरा मेकअप का सामान था, क्रीम वगैरह था, सब मैं रख ली हूँ। तो अब मेरी दृशानी इसमें से कुछ भी नहीं निकल पाएगी, है ना? और देखिए क्या कर रही है। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं हर वीडियो में बोलूंगी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जब मैं बोलती हूँ तो आप लोग लाइक करते हो, जब मैं नहीं बोलती हूँ तो लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फ्रेंड भूल जाते हैं उनके लिए मैं बोलती हूँ। तो जो फ्रेंड लोग लाइक करते हैं ना, उनको दिल से थैंक यू सो मच। और आने वाले टाइम में आप लोगों को ना सिर्फ शॉपिंग वाला ही वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉपिंग स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत सारी चीजें मैं ऑर्डर की हूँ दिशानी के लिए, मैं 2 ड्रेस ऑर्डर की हूँ मीशो से, बहुत सुंदर है, पता नहीं आएगा तो कैसा है। आने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसा है। इतने कम प्राइस में मैं ऑर्डर की हूँ, आएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गुड नाइट टू ड्रीम, क्योंकि रात होने वाली है। निशु आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ। Bye bye, thank you, soon. Good night, Sunday. Flying kiss दे दो आंटी अंकल को। हो गया हो गया हो गया। Bye bye.